लेकिन रजिया सुल्तान मन ही मन में याकूत को प्रेम करती थी, जो उसके एक समय के बाद में अंत का कारण भी बना था। इसी के पास में ही एक प्राचीन हमें अवशेष दिखाई दिए हैं, और यही अवशेष जो यहाँ पे बने हुए हैं तकरीबन ये भी 700 साल पुराने ही बताए जाते हैं। इसी जगह पर काफ़ी सारे सांपों ने भी अपना बसेरा बनाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जब कभी भी कोई आता है तो इस जगह से बचने की कोशिश करता है। रजिया सुल्तान को जब उसके भाई और उसके आशिक के द्वारा काटा गया, मारा गया था, तो यहीं पर दफन किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से जाने वाला हूं हरियाणा के एक ऐसे गांव के अंदर जहां पर हम लोगों को मिलेगी हमारे भारत की पहली महिला शासिका की कब्र। दोस्तों आज हम लोग दिल्ली से ट्रैवल करेंगे कैथल की तरफ, और वहां जाने का हम लोगों का उद्देश्य उस कब्र के बारे में उस इतिहास को इकट्ठा करना जो रजिया सुल्तान से संबंधित है। तो आइए हम करते हैं अपना ये वाला वीडियो शुरू और वहाँ जाकर आप लोगों को दिखाते कि आज कैसी अवस्था वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं कैथल के अंदर, और ये वाली जो जगह है इसे कहा जाता है मानस रोड। एक बार आप दिखाइए सभी दर्शकों को कि मानस रोड कौन सा है। ये वाला, ये सामने का जो एरिया है ये वाला मानस रोड बताया जाता है, और ये जो स्थान है जहाँ पर रजिया सुल्तान का मकबरा है इसे कहा जाता है पट्टीकोट, इस गांव का नाम बताया जाता है, और काफ़ी मशक्कत करने के बाद में हमें ये वाला स्थान मिला है। तो आप यदि कभी यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले स्थान को थोड़ा देख समझ के आइएगा, तभी आप अंदर आ सकेंगे। अंदर जाने के लिए हम लोगों को इस प्रकार से खेत का एक हिस्सा है, बाड़ा है, उसको चढ़कर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने की तरफ हम लोगों को वो जगह दिखाई दी है इन ऊंचे ऊंचे पौधों के पीछे। तो एक बार हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो आप थोड़ा आराम से आइएगा भाई। और यहाँ पर कोई जाने का सही रास्ता नहीं है, यही रास्ता बनता है यहाँ से। ये कांटे के पौधे हैं छोटे छोटे यहाँ पर। ये बात शायद ही किसी ने कभी सोची होगी हमारे इतिहास में कि जिस महिला शासिका ने इतनी ज़्यादा बहादुरी के साथ में दिल्ली सल्तनत पर राज किया उसकी कब्र का ये हश्र होगा आज के समय में। तो अब हम सीधा पहुँचते हैं उस कब्र की तरफ और उन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो व्यू है ये खेतों के बीच में बना हुआ है, और इसी खेत के बीच में से हमें जाना है उस स्थान पर। ये देखिए इस प्रकार की छोटी सी हमें पगडंडी दिखाई देगी है, इसी पे चल के जाएंगे हम आगे की तरफ। और फाइनली हम लोगों को सामने की तरफ कुछ दीवारें दिखाई दे रही हैं, और यही वो दीवारें हैं जिनमें दफन है रजिया सुल्तान। 1205 में जन्मी रजिया सुल्तान, जिनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, और इनका हुआ करता था उस समय दिल्ली पर शासन। ऐसा बताया जाता है कि जब इल्तुतमिश कुछ समय के लिए एक जगह पर लड़ाई करने के लिए गए तो उस समय उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान 1236 के समय में बन गई थी दिल्ली की अभिक्त शासिका। और ऐसा इतिहास के अंदर पहली बार हुआ था कि एक महिला जिसने दिल्ली की राजगद्दी को संभाला है। बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा रजिया सुल्तान बहुत ज़्यादा बहादुर योद्धावीर और अपने बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए लोगों के साथ में हमेशा तैयार रहती थी। मैं आपको दिखाता हूँ इस कब्र की, जो रजिया सुल्तान का बताया जाता है और जो कैथल के इस छोटे से गांव में आज इस खेतों के बीच में बना हुआ है उसकी हालत देख सकते हैं आप। ये किसी समय काफ़ी बड़ा रहा होगा लेकिन आज इसके अंदर काफ़ी पतली पतली ईंटें लगी हुई हैं, और इसका जो पिलर है वो आज भी देखने को मिल रहा है। दीवारों के ऊपर जो समय का चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था वो भी यहाँ पे बचा हुआ है, और अभी हम थोड़ा सा अंदर का व्यू भी यहाँ पे देखेंगे। ये पूरा देखिए, एक बार निकलना पड़ेगा हमें यहाँ से। हमें सीरियसली नहीं पता कि इस जगह पर सांप कीड़े हो सकते हैं। ये देखिए इस कब्र के कुछ अवशेष यहाँ पर हैं, कुछ अवशेष यहाँ पर भी इसके गिरे हुए हैं, और चारों तरफ अभी
बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जंगल यहाँ पे हो चुका है, और ये इस कब्र की दीवारें हैं जहाँ पर पतली लाल लाखोरी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, और इन्हीं लाल लाखोरी ईंटों के साथ साथ में ये वाला हिस्सा बताते हैं कि कुछ समय पहले ही ढहा है ये, उससे पहले बिल्कुल ठीक था ये, और सामने का जो पोल है, पिलर है, वो आपके सामने आज ही पेश हो रहा है। इस जगह के अवशेष ही बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब खत्म हो चुका है। ये इसकी दीवार जिसके बीच में मिट्टी भरी हुई है, ये पूरा खंडित इसका भाग, एक दीवार ये, और ये देखिए अंदर की तरफ, ये इसका एक दीवार का हिस्सा जो बचा हुआ है आज भी। सामने की तरफ इस वाले हिस्से के अंदर रजिया सुल्तान को जब उसके भाई और उसके आशिक के द्वारा काटा गया, मारा गया था, तो यहीं पे दफन किया गया था। बताया जाता है कि जब 1236 के समय में इल्तुतमिश का देहांत हुआ, तो उस समय दिल्ली की जो गद्दी थी वो रजिया सुल्तान ने संभाल ली थी, लेकिन भटिंडा की जो राजगद्दी थी वहाँ पर शासन हुआ करता था रजिया सुल्तान के उसी दोस्त का जो बचपन से उसके साथ में बड़ा हुआ था, जिसका नाम था इतियार उद अल्तुनिया। और ऐसा बताया जाता है कि जब दोनों साथ साथ बड़े हुए तो अल्तुनिया रजिया सुल्तान को मन ही मन में प्रेम करने लगा, और दोनों के दोनों अलग अलग जगहों के शासक हुआ करते थे, तो इसीलिए अल्तुनिया ने सोचा क्यों ना मेरी अब शादी रजिया सुल्तान से हो जानी चाहिए। लेकिन रजिया सुल्तान मन ही मन में याकूत को प्रेम करती थी, जो उसके एक समय के बाद में अंत का कारण भी बना था। ये देखिए कितनी पतली ईंटों का वो लोग प्रयोग किया करते थे, और इन्हीं ईंटों की मदद से ये पूरे का पूरी जो इमारत है बनाई गई थी। ऐसा बताते हैं कि ये जो ईंट है इसे लाखोरी ईंटें कहा जाता है, बादशाह ईंटें कहते हैं, और ये आज के समय में यहाँ से देखो हिलाने पर कुछ तो निकल रही हैं इस तरीके से, जैसे निकल गई देखो ये वाली, और बाकी देखो काफ़ी ज़्यादा ये मजबूती के साथ में रखी गई थी, इस मिट्टी के लेप के साथ में बनाई गई थी चारों तरफ। इस जगह पर एक प्राचीन कुआं भी है, और वो कुएं का जो मंजर है आज हमारे सामने, आप यहाँ पर जब अंदर की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ आप लोगों को वही छोटी लाखोरी ईंटें दिखाई देंगी इस कुएं के अंदर, और ये अभी तो खैर मिट्टी से भर गया है, लेकिन किसी समय पहले ये पूरे का पूरा ये वाला कुआं काफ़ी ज़्यादा गहरा हुआ करता था, और इसी कुएं से लोग यहाँ पर हाथ धोया करते थे और इस पवित्र जगह पर यहाँ पर आगे जाया करते थे। ऐसा बताया जाता है यहाँ पर जो ये वाला पूरा स्थान है, इस स्थान का सीधे तौर पर संबंध हुआ करता था उस रजिया सुल्तान के उस कब्र से, और इस वाले हिस्से में ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक रास्ता बनता है जो इसी के आसपास की जगह को जोड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि जो रजिया सुल्तान का जो मकबरा है यहाँ पर, इसी के पास में ही एक प्राचीन हमें अवशेष दिखाई दिए हैं, और यही अवशेष जो यहाँ पे बने हुए हैं तकरीबन ये भी 700 साल पुराने ही बताए जाते हैं। इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पतली पतली ईंटें लगाई गई थी, और ये पूरे का पूरे एक समय का हिस्सा हुआ करता था प्रमुख। ये नहीं पता लग रहा कि जो खंडर है ये किस चीज़ संबंधित था, ये ऊपर जाने का रास्ता था, वहाँ पर भी हमें छोटा सा कमरा कक्ष दिखाई दे रहा है, और सबसे प्रमुख बात ऐसा बताया जाता है कि इसके अंदर एक छोटा सा रास्ता बनता है, और वो रास्ता किस खंडर पे निकलता है, किस जगह पे निकलता है, इस चीज़ का ज्ञान आज तक किसी को नहीं हो पाया है। और जो मेन बात यहाँ पे बनती है वो ये बनती है कि इसी जगह पर काफ़ी सारे सांपों ने भी अपना बसेरा बनाया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जब कभी भी कोई आता है तो इस जगह से बचने की कोशिश करता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को आगे का व्यू दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ पे अंदर का मंजर दिखाई दे रहा है आज। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये हमें प्राचीन ईंटें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी ईंटें दिखाई दे रही हैं, और सामने की तरफ देखिए हमें कक्ष दिखाई देगा, और ये सामने की तरफ जो हमें कक्ष दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है वो वाला कक्ष। देखिए ये पूरे का पूरा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हॉरर सा फील होता है देखने में एकमात्र में, और ये वाला जो स्थान है काफ़ी सालों से इसी प्रकार से बंजर पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है।
यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं एक बार, बहुत ज़्यादा जंगल है तो यार, यार जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बन रहा है तो। ये देखिए सामने का कक्ष, ये देखिए, जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे। और मैं प्लीज कहूंगा आपसे, अगर आप यहाँ पे आते हो तो प्लीज मत आइएगा आप यहाँ पे। ये देखिए ये क्या था, इसका आज तक किसी को नहीं पता लगा है, लेकिन जो भी था आज इस खंडर अवस्था में है ये। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई 1240 में, तब उसी के साथ में उसके प्रेमी याकूत को भी मार दिया गया था। और बताया जाता है कि एक ऐसी अज्ञात जगह पर दोनों को दफन कर दिया गया था जिसके बारे में आज तक शायद ही कोई जानता है। लेकिन हमारे इतिहास के पन्ने हमें ऐसे 3 जगह बताती हैं जहां पर रजिया सुल्तान की कब्र होने के तथ्य कन्फर्म्ड होते हैं। दिल्ली के अंदर, राजस्थान के टोंक के अंदर और हरियाणा के अथल के इस स्थान पर। जब हमने इसको अच्छे तरीके से अंदर से देखा तो हमें इस जगह पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि हम इसको सीधे तौर पर उस कब्र से जोड़ सकें, क्योंकि जो दिल्ली की एक ऐसी शासिका थी जिसने दिल्ली पर शासन किया, पहली महिला यहाँ की बहुत ज़्यादा बहादुर शासिका बनी, क्या उसकी जगह पर आज से किसी सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया होगा? क्या यहाँ पर ASI का कोई सिंगल बोर्ड भी नहीं लगा होगा? तो हमें ऐसे कोई तथ्य यहाँ पर नहीं दिखे। तो इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम सच यही बनता है दोस्तों कि अभी तक की नज़रों में लोगों ने इस जगह को रजिया सुल्तान की कब्र कहा, वो हकीकत में कब्र ना होकर उस समय की एक बताई जाने वाली एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ने आते थे। और यहाँ पर यह भी पता लगी हमें बात कि इसका जो स्थान है वो लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इसको बनाया गया था, जो एक भ्रमित तौर पर रजिया सुल्तान की कब्र के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए कंटेंट हम आप लोगों के समक्ष लाते रहेंगे, और बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पेज पर आए, और नई वीडियो के लिए हमेशा तैयार रहिए। धन्यवाद।